हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस पेरेंट सिलेक्शन इन जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम में किस तरीके से पेरेंट को सिलेक्शन किया जाता है, उसके बारे में आज के वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है पेरेंट सिलेक्शन की, उनमें से भी वो टेक्निक जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन आज की वीडियो हम जो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेरेंट सिलेक्शन की टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, रॉलेट व्हील सिलेक्शन। रॉलेट व्हील किसकी हेल्प से किस तरीके से पेरेंट सिलेक्शन किया जाता है, वो आज की वीडियो हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेरेंट सिलेक्शन है क्या। तो हम जब हमने आपको जेनेटिक एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बताया था, उस समय हमने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसका इनिशियलाइजेशन करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब कितनी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कितने पर्संस हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, अगर आप जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो एक बार हमें पता लग गया कि हमारी पॉपुलेशन, मान लीजिए पॉपुलेशन में एन इंडिविजुअल्स हैं, तो एन इंडिविजुअल्स का पता करने के बाद हमारा अगला पर्पज क्या होता है कि उन एन इंडिविजुअल्स में से या एन क्रोमोसोम्स में से हम क्या करें, कोई भी दो या तीन पेरेंट एज पर द एल्गोरिथम सेलेक्ट करें, जो आपस में क्या करेंगे, हमारे रिकम्बाइन होंगे और नए आपकी जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। तो किस तरीके से हमारे पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जो कि आपस में रिकम्बाइन होंगे, तो वो जो प्रोसेस है पेरेंट सिलेक्शन का, वो किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं, और उनमें से जो एक मेथड है रॉलेट व्हील मेथड, उसका किस तरीके से डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, वो आज की वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स विच मेट एंड रिकम्बाइन टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे जो आपस में मैट करेंगे और रिकम्बाइन होंगे, किसकी हेल्प से, जो हमने टेक्निक बताई थी आपको, क्रॉस ओवर टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग माने चिल्ड्रंस को क्रिएट करेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जिससे कि नई जनरेशन में हमको अच्छे चाइल्ड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो पेरेंट सिलेक्शन काफी कुछ डिसाइड करता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिमाइज होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। तो पेरेंट सिलेक्शन इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर इन द जेनेटिक एल्गोरिथम। ठीक है, तो कौन कौन से पेरेंट सिलेक्शन के मेथड्स हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। जो पेरेंट सिलेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती हैं वो है, पहली टेक्निक है फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन, दूसरी टेक्निक है टूर्नामेंट सिलेक्शन, थर्ड टेक्निक है रैंक सिलेक्शन, एंड द फोर्थ टेक्निक इज रैंडम सिलेक्शन। ये जो चार डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, इसके अलावा भी और टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं, ये मेन फोर टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में से भी हम जो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, वो डिस्कस करेंगे अबाउट द फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी सब टेक्निक्स होती हैं। तो फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन है क्या, फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो फिटनेस होती हैं, जो फिटनेस होती है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि किसको पेरेंट बनाना है। जिसकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी होगी वो ज़्यादा आपका सुटेबल कैंडिडेट होगा पेरेंट बनने के लिए, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एज ए पेरेंट सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा हेल्दी है, जो ज़्यादा जिसकी फिटनेस अच्छी है, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन गुड। सो इन दिस मेथड, जो फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन का मेथड है, इन दिस मेथड एवरी इंडिविजुअल कैन बिकम ए पेरेंट विद ए प्रोबेबिलिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फिटनेस। हर कोई जो इंडिविजुअल है वो पेरेंट बन सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी उसकी फिटनेस के। जिसकी ज़्यादा फिटनेस वैल्यू होगी उसके उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी पेरेंट बनने की। फिटर इंडिविजुअल्स, यानी कि वो इंडिविजुअल जो ज़्यादा फिट है, फिटर इंडिविजुअल्स हैव ए हायर चांस ऑफ मैटिंग एंड प्रोपेगेट देयर फीचर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो फिट हैं इंडिविजुअल्स, उनके ज़्यादा चांसेस हैं
मेट करने के और अपनी फीचर्स को नेक्स्ट जनरेशन में प्रोपेगेट करने के। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया कि फिटनेस प्रोपोर्शनल सिलेक्शन में क्या हो रहा है कि फिटनेस के प्रोपोर्शनल ही चांसेस हो रहे हैं कि वो पेरेंट सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जिसकी ज्यादा फिटनेस उसके ज्यादा चांसेस एज ए पेरेंट चुने जाने के। लेकिन इसमें भी दो सब टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक है रॉलेट व्हील सिलेक्शन और दूसरी टेक्निक है स्टोचेस्टिक यूनिवर्सल सैम्पलिंग। जिनमें से जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है वो रॉलेट व्हील सिलेक्शन आता है, तो फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रॉलेट व्हील सिलेक्शन को ही मेथड को ही यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो रॉलेट व्हील सिलेक्शन जो आपका मेथड है, इसमें क्या होता है, इन ए रॉलेट व्हील सिलेक्शन मेथड द सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड इंटू एन पार्ट्स। जो भी आपका सर्कुलर व्हील होगा इस टाइप से उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर 5 पार्ट्स दे रखें, अगर 5 इंडिविजुअल्स हैं तो 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 10 इंडिविजुअल्स हैं तो 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उस रॉलेट व्हील को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर मैंने लिखा है कि मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के आप अंदर आपके एन क्रोमोसोम्स या एन इंडिविजुअल्स हैं। Each individual gets a portion of the circle which is proportional to its fitness value. हर individual की जो fitness value होगी, जो हम अलग अलग technique से निकालेंगे कि ये person या ये individual कितना fit है, उसको निकालने के अलग parameter है, लेकिन जो उसकी fitness value निकल के आएगी उसके basis पर उस individual को circle में उसका portion मिलेगा। जो उसकी fitness value ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा portion मिलेगा roulette wheel पे, जिसकी फिटनेस वैल्यू कम आएगी उसको कम पोर्शन मिलेगा। तो मान लीजिए ये 5 इंडिविजुअल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पहले की फिटनेस वैल्यू मान लीजिए 28 है, दूसरे की फिटनेस वैल्यू 18 है, थर्ड की फिटनेस वैल्यू 14 है, फोर्थ की फिटनेस वैल्यू 9 है, फिफ्थ की फिटनेस वैल्यू 26 है। ठीक है, तो ये रॉलेट व्हील है आपका, इस पे हमने पहले को 28 दे दी फिटनेस वैल्यू, सेकंड को 18, थर्ड को 14, फोर्थ को 9 और फिफ्थ को 26, जो भी उनकी फिटनेस वैल्यू थी असाइन कर दी, सबको उसका पोर्शन दे दिया। ए फिक्स पॉइंट इज चूजन ऑन द व्हील सर्कमफेरेंस एंड द व्हील इज रोटेटेड। ये जो आपका व्हील है इसमें से आप एक कोई फिक्स पॉइंट चूज कर लेते हैं, कहीं पर भी आपने एक फिक्स पॉइंट चूज कर लिया, मान लीजिए यहाँ कर लिया, ठीक है, और व्हील को आपने रोटेट कर दिया, मान लीजिए क्लॉक वाइज करा, एंटी क्लॉक वाइज करा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा है कि व्हील इज रोटेशन, एंटी आपका जो है क्लॉक वाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में आपका व्हील रोटेट कर रहा है। द रीजन ऑफ द व्हील, जब इसको आप रोटेट करोगे और ये फिक्स आपका पॉइंट है, देन द रीजन ऑफ द व्हील विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द फिक्स पॉइंट। जो आपने इसको रोटेट किया, जो रोटेट करने के बाद जब ये रुकेगा, तो जो आपका पोर्शन फिक्स पॉइंट के सामने होगा, रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते मान लीजिए 2 इसके सामने आ गया जो फिक्स पॉइंट बना हुआ है, तो कौन किसको पेरेंट सेलेक्ट कर लिया जाएगा, 2 को। यानी पॉइंटर के आगे जो भी आपका आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, एज ए पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आगे रुक गया, 4 वाला रुक तो कोई सा भी सकता है, चाहे प्रोबेबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसके कम चांसेस आने के, लेकिन आ तो वो भी सकता है। तो मान लीजिए ये 4 आ गया, 4 के आगे रुक गया ये व्हील, इसका मतलब क्या है, चूज डी या चूज 4 एज पेरेंट्स। ठीक है, तो रीजन ऑफ द व्हील विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द फिक्स एरिया इज चूजन एज द पेरेंट, फॉर द सेकेंड पेरेंट सेम प्रोसेस इज फॉलोड। एक तो पेरेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको दूसरा पेरेंट सेलेक्ट करना होगा, तो फिर से आप रोटेट करोगे, फिर से रोटेट करने के बाद फिर जहां ये रुक जाएगा, भाई मान लीजिए 1 पे रुक गया, 1 यहां पर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पेरेंट कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक 1 और एक 4। ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम के हिसाब से 3 पेरेंट का सिलेक्शन करना है तो फिर से मूव करेंगे, जितने पेरेंट्स का आपको सिलेक्शन करना है उतने टाइम से हम क्या करेंगे, व्हील को रोटेट करेंगे और पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। तो ये आपका रोटेशन, आपका रॉलेट व्हील सिलेक्शन का मेथड है। सो इट इज क्लियर दैट ए फिटर इंडिविजुअल हैज ए ग्रेटर पाई ऑन द व्हील। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा फिट है, जिसकी ज्यादा फिटनेस वैल्यू है, उसको ज्यादा पोर्शन अलॉटेड है, किस पर, रॉलेट व्हील पर। एंड देयरफॉर ए ग्रेटर चांस ऑफ लैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फिक्स पॉइंट वेयर व्हेन द व्हील इज रोटेटेड। जब व्हील रोटेट किया जाएगा तो अगर किसी को ज्यादा पोर्शन अलॉटेड है, मान लीजिए 1 to 28 है, 5 to 26 है, तो जब व्हील को रोटेट किया जाएगा तो इनके ज्यादा चांसेस हैं कि 1 या 5 के आगे रुके, क्योंकि इनको ज्यादा पोर्शन पूरे व्हील्स में से अलॉटेड है, तो इनके ज्यादा चांस है कि इनके आगे ये रुके। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। बट इट इज द वर्चुअल वे, हम बता रहे हैं कि इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, हमें तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा, मैथमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की एल्गोरिथम है, दिस इज ओनली द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे रॉलेट व्हील सिलेक्शन के लिए वो क्या होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इस एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहां पर पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। प्रॉब्लम दे रखी है, सबकी फिटनेस वैल्यू पता कर लीजिए कितनी है। ठीक है, फाइंड द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल पता कर लिया आपने, इसकी 28 है, इसकी 18 है, इसकी 14 है, इसकी 9 है, 26 है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा एल्गोरिथम का, इसमें कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, कैसे निकलेगी, 28 डिवाइडेड बाई टोटल कर लीजिए सबका, 28 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 26। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 95, तो 28 बाई 95 तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 0.295। ठीक है, अब इसकी निकाली प्रोबेबिलिटी, इसकी कैसे निकलेगी, 18 डिवाइडेड बाई 95, इसकी कितनी निकलेगी, 14 डिवाइडेड बाई 95, इसकी प्रोबेबिलिटी 9 डिवाइडेड बाई 95, इसकी प्रोबेबिलिटी 26 डिवाइडेड बाई 95। तो हमने क्या किया, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो ये आ गया आपका कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। अगला स्टेप क्या होगा, कंप्यूट द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पहले वाले की तो एज इट इज रहेगी, जो 0.295 है 0.295 होगी। ठीक है, दूसरे की कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कम्युलेटिव अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 0.295 प्लस 0.189 तो ये आ गई। ठीक है, फिर आपको क्या करनी है, इसकी निकालनी है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी थर्ड वाले की, तो कैसे निकलेगी, ये जो निकल के आई है इसमें ये ऐड कर दीजिए, 0.484 प्लस 0.147 तो इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, फिर इसकी निकालनी है फोर्थ वाले की कितनी आएगी, तो 0.631 में 0.095 ऐड कर दीजिए तो ये निकल आएगी। ठीक है, इसमें इसकी ऐड कर दीजिए प्रोबेबिलिटी तो इसकी निकल आएगी। ठीक है, लास्ट में आप ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि जब सारी प्रोबेबिलिटी का ऐड होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या, कंप्यूट द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब जो हमने कहा था कि हम कोई एक फिक्स पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरेट ए रैंडम नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, कोई भी हम मेथड यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने का, जो हमारा क्या करेगा, हर बार एक रैंडम नंबर हमें जनरेट करके देगा। मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो जेनरेट ए रैंडम नंबर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इफ आर इज लेस देन क्यू वन, अगर आर की वैल्यू लेस देन है क्यू वन से, क्यू वन कौन सा है, ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, ये क्यू थ्री है, ये क्यू फोर है, ये क्यू फाइव है, जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आपकी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है। तो अगर रैंडम जो वैल्यू निकल के आ रही है उसकी वैल्यू लेस देन है Q1 से, देन सेलेक्ट फर्स्ट क्रोमोसोम, तो हम पहला क्रोमोसोम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी रैंडम नंबर हमने निकाला और देखा उस रैंडम नंबर की वैल्यू Q1 से भी क्या है,
क्यूबन से भी लेस देन है। तो हमने पहला पेरेंट क्या हो गया हमारा, पहला क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन सेलेक्ट क्रोमोसोम क्यू आई सच दैट रैंडम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्यू आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्यू आई माइनस वन सॉरी क्यू आई। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए रैंडम नंबर की वैल्यू लेस देन हुई क्यू वन से, भाई रैंडम नंबर क्यू वन से भी छोटा है तो हमने कह दिया नहीं क्यू वन को हम क्या मानेंगे, पहला पेरेंट। लेकिन अगर रैंडम नंबर जो हम निकाल रहे हैं वो क्यू आई माइनस वन से तो बड़ा है लेकिन क्यू आई से छोटा है, ठीक है, तो जिससे बड़ा है रैंडम नंबर उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, जिससे छोटा है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे रैंडम नंबर छोटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिससे बड़ा है उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा रैंडम नंबर मान लीजिए 0.65 है, कितना निकल के आया 0.65। अब 0.65 किस किस के बीच में आएगा, 0.65 0.631 से तो बड़ा होगा और 0.726 से छोटा होगा। भाई 0.65 क्या है, रैंडम नंबर, 0.631 से तो बड़ा है और 0.726 से क्या है, छोटा है। तो हमने क्या कहा, जिससे बड़ा होगा उसको चूज नहीं करेंगे, जिससे छोटा होगा उसको चूज करेंगे। छोटा किससे है, 0.726 से। तो किसको चूज किया, पेरेंट 4 को। तो पहला पेरेंट नंबर 1 कौन सा हो गया, 4। क्यों, क्योंकि रैंडम वैल्यू 0.65 आ रही है। अब मान लीजिए फिर से दोबारा आपने व्हील को घुमाया, नाउ रिपीट द स्टेप 4 और 5 टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेरेंट्स आर सेलेक्टेड। तो एक तो हमारा सेलेक्ट हो गया, अब हमें दूसरा पेरेंट भी सेलेक्ट करना है। फिर से हमने क्या किया, 4 और 5 स्टेप को रिपीट करना है, फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट किया। मान लो इस बार रैंडम नंबर की वैल्यू आई 0.12। अब 0.12 आई, अब देखिए यहां पर 0.12 कहां आएगा, 0.12 क्या है, 0.295 से भी छोटा है, 0.295 से भी छोटा है। इसका मतलब पेरेंट नंबर 2 क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल बता देता हूं, मान लो अगर इसकी वैल्यू r की वैल्यू ये ना होती, r की वैल्यू कुछ और होती, मान ली r की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने मान ली 0.48 होती, तब कौन सा सेलेक्ट होता। तो हम क्या देखते, इस r की वैल्यू पॉइंट कौन सा इसमें से कम्युलेटेड प्रोबेबिलिटी है जो 0.48 से तो ज्यादा है लेकिन दूसरे वाले से कम है। तो देखो इसमें 0.48 कहाँ आएगा, 0.48 आएगा 0.295 और 0.484 के बीच में। जो r की वैल्यू है वो 0.295 से तो ज़्यादा आती है उसके इसमें, और किससे कम आती, 0.484 से कम आती। तो किसको हम सेलेक्ट करते, जिससे वैल्यू लेस देन है, जिससे ज़्यादा उसको सेलेक्ट नहीं करते। तो कौन सा सेलेक्ट होता हमारा, ये वाला सेलेक्ट होता है, यानी कि पेरेंट नंबर 2 कौन सा होता है, इंडिविजुअल नंबर 2। ठीक है, हमेशा किसको देखना है हमें, जिससे वैल्यू लेस हो, रैंडम की वैल्यू जिससे लेस हो वो पेरेंट सेलेक्ट किया जाएगा, रैंडम की वैल्यू जिससे ज़्यादा है उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो थ्योरेटिकली हमने एक्सपर्ट डिस्कस किया था, वर्चुअल एक्सपर्ट डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है कि प्रैक्टिकली रॉलेट व्हील सिलेक्शन में हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।